हेलो, आज हम देखेंगे कि सर्वर डीएसएल मॉड्यूल क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग सिस्को पैकेट ट्रेसर। ओके, सो सर्वर तो आप जानते होंगे। तो डीएसएल मॉड्यूल क्या है कि इट इज द डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, इट इज द टेक्नोलॉजी फॉर ए हाई स्पीड नेटवर्क और इंटरनेट एक्सेस ओवर द वॉइस लाइन्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो एक सर्वर लेंगे। एक सर्वर लेंगे यहाँ पे और एक क्लाउड लेंगे। क्लाउड क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना। पीटी क्लाउड। ओके, देन डीएसएल मॉड्यूम दो लेंगे। ठीक है, क्लाउड में कनेक्शन करेंगे इसको। ओके, जो फोन लाइन्स होता है। ओके, और दो स्विच ले जाएंगे। यहाँ पे एक और यहाँ पे। ओके, और सिक्स पीसीज लेंगे। ओके, और इसको अभी कनेक्शन करेंगे। सर्वर सर्वर को कनेक्शन देंगे कॉपर स्ट्रेट थ्रू। ओके, कॉपर स्ट्रेट थ्रू सर्वर से क्लाउड को देंगे। इथरनेट 6। ओके, देन क्लाउड से डीएसएल मॉड्यूम को देंगे। ओके, फोन लाइन देंगे। फोन लाइन मॉड्यूम 4। ओके, देन पोर्ट 0। यस, ठीक उसी तरह इसका देंगे मॉड्यूम 5 पोर्ट 0। यस, देन स्विच से डीएसएल मॉड्यूम को देंगे कनेक्शन। कॉपर क्रॉस ओवर दे देंगे स्विच को डीएसएल मॉड्यूम। ओके, यस, देन स्विच 1 से डीएसएल मॉड्यूम 1 को देंगे। यस, देन पीसीज को स्विच के साथ कनेक्शन देंगे। कॉपर, ओके, कॉपर क्रॉस ओवर नहीं, कॉपर स्ट्रेट थ्रू दे देंगे। कॉपर स्ट्रेट थ्रू दे देंगे, सही रहेगा। ऑल पीसीज ये स्विच को देंगे। पहले 3 कंप्यूटर स्विच 0 को देंगे। यस, ये हो गया। देन सेकंड पार्ट कर देंगे स्विच 1 को 3 4 5 का। ओके, ओके, यस, नेट 0/4। यस, अब कनेक्शन हो गया सब। ओके, अब सब कनेक्शन कंप्लीट
अब देखो ये ऑरेंज सिग्नल दिया है, अब थोड़ा टाइम लगता है, ये ग्रीन सिग्नल देगा। ओके थोड़ा वेट करेंगे, देखो ग्रीन सिग्नल आ रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आ जाएगा। है थोड़ा टाइम तो लगता है, देखो सेकंड का भी आ गया, थर्ड का भी आ गया। ओके अब कनेक्शन सक्सेसफुल। ओके देन सर्वर जीरो में जाएंगे, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इसका आईपी देंगे 192.168. लेट्स से 1.3। ओके इसको दे देंगे। देन सर्विसेज में जाएंगे, डीएससी भी करेंगे ना, डायनामिक पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके डीएससी भी यस, और इसको सिंपली ऑन कर देंगे क्योंकि तो ये सारे कंप्यूटर ऑटोमेटिक लेगा, वो डीएससीपी का ही काम है ना, ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस लेगा वो। ओके ऑन हो गया, अब इसको क्लोज करो। अब सारे पीसीज को हम ऑटोमेटिकली कनेक्शन देंगे, डीएससीपी देंगे। ओके ओके थोड़ा फेल कर, 1 मिनट सॉरी सॉरी। उसके बाद हम क्लाउड का नहीं दिए ना अभी कनेक्शन, 1 मिनट। उसके बाद क्लाउड का आप कनेक्शन नहीं दिए हैं अभी। ओके क्लाउड का हम कनेक्शन नहीं दिए हैं इसलिए नहीं नहीं लिया। देखो एक कनेक्शन नहीं दोगे ना नहीं लेगा, देखो राइट, ये नहीं लिया, इसको पहले अभी स्टार्ट ही कर दो हम। ओके क्लाउड जरूर में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन। ओके डीएसएल में जाएंगे, डीएसएल। ओके डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉड्यूम 4 इथरनेट 6 इसको ऐड करो, देन मॉड्यूम 5 इथरनेट 6 इसको भी ऐड कर दो। ओके अब ये लेगा, देखो देखो टेस्ट भी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। ओके ये उसी तरह PC1 का, अब सारे ले जाएगा। यस यस PC2 का हो गया ना, यस PC3 का, यस परफेक्ट। ओके एक का भी कनेक्शन नहीं दोगे ना नहीं लेगा, देखो ना नहीं देखा ना नहीं लिया। ओके ये सर्वर का जो हम कनेक्शन दिए उसके बाद क्लाउड का भी देना पड़ेगा, नहीं तो किस लेगा, वो सारे कनेक्शन है ना, मतलब ये देखो ये सारे कनेक्शन है ना अपने आप से। ओके तो अब क्या करेंगे, अब हम पैकेट भेज के देखेंगे राइट, ये जा रहा है कि नहीं। ओके तो पहले पैकेट देखेंगे कैसे जा रहा है, उसके बाद सिमुलेशन पार्ट में जाएंगे। ओके अब P2 भेज के देखेंगे हम, PC0 से सर्वर 0। ओके सक्सेसफुल, PC1 से सर्वर 0 सक्सेसफुल, PC2 से सर्वर 0 सक्सेसफुल। ओके ठीक उसी तरह PC3 से सर्वर 0 सक्सेसफुल, PC4 से सर्वर 0 सक्सेसफुल, सर्वर 0, PC5 से सर्वर 0 सक्सेसफुल। अब सही है, तो अब हम क्या करेंगे, सिमुलेशन पार्ट में थोड़ा जाएंगे। ओके सिमुलेशन में थोड़ा सा जाएंगे, क्या करेंगे पहले इसको एडिट फिल्टर्स में जाके सिर्फ ICMP और ARP को रखेंगे और सब डिलीट मार देंगे। ओके सारे अब कर दो, नहीं तो पैकेट्स को हम ट्रैक नहीं कर पाएंगे।
राइट, देन IPv6 को भी हटा देते हैं। सिर्फ हम क्या रखेंगे, DHCP रखेंगे, ओके, देन ICMP रखेंगे एंड ARP रखेंगे, इतना सा आराम करने दे, ओके। तो हम पैकेट भेजेंगे एक एक करके, PC 0 से Server 0, क्या देखो प्रोग्रेस में है, देखो कैसे पैकेट्स जा रहा है। अब टोटल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे सक्सेसफुल लिखेगा वो, ठीक है। सक्सेसफुल लिखेगा ये, प्रोग्रेस लिखा, ठीक है। देखो कैसे कैसे पैकेट्स घूम रहे हैं, देखो मैं बैकग्राउंड हटा दिया इसलिए वो जल्दी से ले रहा है, नहीं तो वो बहुत लेट होता है। अब देखो सक्सेसफुल, ओके सक्सेसफुल, राइट। और एक भेज के देखेंगे, जो हमको चाहिए उसको सिर्फ लेना है, नहीं तो बेकार में वो ऑन होते जाएगा, ओके। यहाँ पे देखोगे सिमुलेशन पैनल में, देखो PC 0 से देन Switch 0 गया, देन DSL मॉडम गया, Cloud 0 गया, देन Server 0 गया, देन गया Cloud 0, देन DSL मॉडम, देन Switch 0, ओके। ऐसे करके वो सक्सेसफुल मतलब फिर PC 0 को वापस आ गया, तो इसी तरह वो होता है, ओके। यस, तो इसी तरह वो काम करता है, तो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ देखेंगे, ओके, थैंक यू।